तो फैमिलीज चाहे किसी भी एज में हो, मैं 60 इयर्स की हूँ, मेरी फैमिली अगर कंसर्न कर सकती है तो 16 साल की बच्ची की फैमिली तो कंसर्न रखेगी कि अगर वो यंग एज में बाहर जा रही है. और फिर हम सारा सोसाइटी उसके ऊपर टूटते हैं कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे. हमारे माइंड सेट ऐसा है कि हम लड़की में गलती ढूंढते हैं कि लड़की की गलती है, उसने रेप कराया अपना. जैसे वो बाहर जाके कह रही थी कि मेरा रेप करो क्योंकि उसने कपड़े ऐसे पहने थे, क्योंकि वो पब में बैठी थी. किसने कहा था लड़की को पब में बैठने के लिए? अरे आप कहते हो कि पब इस मतलब हम इक्वल हैं. पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है हम इक्वल हैं, तो इक्वल है तो लड़का पब में बैठ सकता है तो लड़की क्यों नहीं बैठ सकती? अगर वो गलत चीज लड़के के लिए है तो फिर उसके लिए भी है. तो हम माए ही बोलती है कि चल बेटा भाई जा रहा है तू नहीं जाएगी. हम ही तो कहती है कि भाई जा रहा है, वो भाई उसके अपनी बहन की रक्षा करता है, वो रक्षाबंधन उसके लिए करती है, लेकिन वो वही भाई दूसरे के लिए कैसे अनसेफ हो जाता है? वही बाहर जाके किसी का भाई तो होगा जो क्राइम कर रहा है, किसी का बेटा तो होगा जो क्राइम कर रहा है. तो ये माइंडसेट कहाँ चेंज होता है कि मैं अपनी भाई को तो बहन को सुरक्षा में रखूंगा, अपनी माँ को सुरक्षा दूंगा, लेकिन बाहर दूसरे की बेटी को करूंगा. तो बहुत विशेष सर्कल है. हमें पुलिस, जुडिशरी, फैमिलीज, सोसाइटी हैज टू कम टुगेदर टू चेंज दिस होल सिनेरियो. इफ वी आर सेइंग दैट केसेस आर इंक्रीजिंग एंड आर एवरीबडीज फैमिली इज एट स्टेक, तो क्यों नहीं हम सारे साथ मिलते और इस सोसाइटी को ठीक करने का काम करते? ये बहुत बड़ा आह्वान है. पता नहीं ये कोई कर पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम आज से वर्कआउट करना शुरू करें तो शायद हमारी कल की जो जनरेशन है वो ठीक हो पाएगी. मगर रेखा जी, जिस तरह की सिचुएशन अभी है, ये केसेस एवरी डे जिस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह से जैसे मैंने बोला ब्रूटालिटी के साथ हो रहे हैं, और ख़ासकर निर्भया के केस के बाद 2012-13 के केस के बाद जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, वो एक एज अ सोसाइटी हम कोलैप्स कर रहे हैं. हम इससे पीछे नहीं हट सकते कि एज अ सोसाइटी हम सब कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने तभी यही बातें कही थी कि घर में पढ़ाना चाहिए, माओं को पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई. एक और बात आपने जो बोली कि कपड़ों को इल्ज़ाम देते हैं, तो देखिए जो रेप के केसेस हैं वो तो 2 साल की बच्चियों से 8 साल के, तो वो क्या मतलब कपड़े की बात तो मुझे लगता है कि किसी को करनी भी नहीं चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. और चलिए ठीक है, मैं एक और बात आपसे कहती हूँ एज अ जर्नलिस्ट, बहुत मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, चलिए जैसे कपड़े पहने भी, लेकिन कोई ये तो नहीं कहता कि चलिए आप आकर के रेप कर दीजिए. हर इंसान डायपर में रेप कर रहे हो, बच्चे का डायपर में है तो बच्चा, बिल्कुल, तो उसका बच्ची का रेप हो रहा है. आजकल तो बॉयज भी सेफ नहीं है, नहीं सेफ है, बिल्कुल, लड़के भी सेफ नहीं है. जिस तरह की मेंटेलिटी के लोग हैं बाहर, लड़कों की माओं को भी उतना ही. अरे आप देखिए ना, एक केस आया है स्कूल का, जिस तरीके से मुझे आप ही के अंडर में वो केस आया था, इतनी ब्रूटालिटी के साथ रैगिंग हुई है उस बच्चे का के साथ गलत हुआ है, वो भी वाकई में दिल दहला देने वाली वो बात है. कि और वही 13-14 साल के लड़कों ने ये चीज़ कही.